नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। जो आज का हमारा टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू सेंट्रिफ्यूगल पंप के हेड्स के बारे में बात करने वाले। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने हेड्स लिखे हुए हैं, सक्शन हेड। वैसे मैंने ये हेड बताया है मगर इसमें हमारा जो छूट जाता है दैट इज स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक हेड, जो मैंने अभी बताना है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपने सेंट्रिफ्यूगल पंप से रिलेटेड देखा होगा कि मैंने बताया कि सेंट्रिफ्यूगल पंप सबसे वर्सेटाइल पंप रहता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में इसे ही यूज किया जाता है, काफी सस्ता है, इंस्टॉलेशन होने के लिए ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता, इसकी नॉइज भी कुछ मतलब ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, और इसके बहुत सारे फायदे। इवन ये स्लरीज वाले सॉल्यूशन को भी हैंडल करता है, समझ रहे हैं। सिंपली इसमें क्या होता है कि इंपेलर होता है और वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली मोटर से। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मेरा कहने का मतलब था ये इतना वर्सेटाइल है कि हर कंपनीज फार्मा कंपनीज में बहुत यूज किया जाता है। इवन जो ऑयल कंपनीज है, गल्फ इंडस्ट्रीज है, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्सेटाइल लो कॉस्ट पंप ये हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप ही है। रनिंग कॉस्ट भी इसकी बहुत लो है। ओके, ज्यादातर देखिये मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स और केमिकल इंजीनियर्स ज्यादातर इस पंप को अपने फ्लो डायग्राम में यूज करते हैं स्पेशली। हाँ, कहीं पे ज्यादा स्पेशल एप्लीकेशन है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करेंगे। इसका जो सिंबल होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं सिंबल ही बता दूंगा। सिंबल जो होता है लगभग कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये है हमारा सिंबल, तो ये हो गई हमारी सक्शन लाइन, क्लियर हो गया, और ये हो गई हमारी डिलीवरी लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्लूइड इस सक्शन लाइन से, ये हो गई हमारी सक्शन लाइन जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज सक्शन लाइन। क्या है ये हमारी, दिस इज सक्शन लाइन जो नीचे है, जिससे फ्लूइड, सपोज ये फ्लूइड है हमारा, ठीक है, वैसे तो यहां तक रहेगा, ठीक है, पानी के अंदर। मान लीजिए जो फ्लूइड को लेके जाना है दैट इज योर वॉटर, पानी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सक्शन लाइन, दिस इज सक्शन लाइन, जो यहां पर बता ही देता हूं, दिस इज अवर सक्शन लाइन। ये है हमारी डिलीवरी लाइन, क्या है ये, दिस इज द डिलीवरी लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए सपोज अब इसको, ये जो फ्लूइड है इसे पहुंचाना है कहीं यहां पर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप का सिंबल, और ऐसा ही सिंबल हर प्रोसेस फ्लो डायग्राम में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंप। तो एक एक करके हम सारे हेड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सक्शन हेड के बारे में बात करते हैं। देखिए आपका पंप का जो सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, वहां से लेकर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो पानी की जो फ्री सरफेस है, ठीक है, पानी की जो फ्री सरफेस है, मैं इसको ऐसा बताऊंगा, ठीक है। ओके, जो पानी की जो फ्री सरफेस है लेके पंप की जो सेंट्रल लाइन होती है वो होती है हमारी सक्शन हेड, जिसको हम डिनोट करेंगे एच एस से। यहां पर लिख देता हूं दैट दिस इज एच एस, ठीक है। तो ये एक टाइप की हाइट होती है, दैट इज योर सक्शन हेड, क्लियर हो गया ये। ओके, अब बात करेंगे डिलीवरी हेड की। डिलीवरी हेड क्या होता है, एक बार फ्लूइड जहां पर पहुंच जाता है तो ये हाइट होती है यहां से लेकर सिंपली यहां तक की, दिस इज बोलेंगे हम इसको बोलेंगे एच डी, क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज एच डी, क्लियर हो गया, दिस इज एच डी। तो ये इसका सिंबल होता है, जो होती है डिलीवरी, ये होती है हमारी डिलीवरी लाइन। तो ये एक टाइप की वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पानी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। याद रखिएगा ये जो हेड होता है, ये हेड आप किसी भी टर्म्स में बता सकते हैं, जो भी फ्लूइड लेके जाया जा रहा है उसी की टर्म्स में ये बताया जाता है। फिलहाल हम जो फ्लूइड लेकर जाने वाले हैं वो है पानी, तो ये जो हेड निकाला जा रहा है हाइट के टर्म्स में, डिलीवरी हेड, सक्शन हेड, ये इन टर्म्स ऑफ वाटर है, इन टर्म्स ऑफ वाटर, क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा एच डी। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे हमारी स्टैटिक हेड के बारे में। मेरे काफी सारे वीडियोस हैं जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको एक प्लेलिस्ट में एक चैप्टर मिलेगा या फिर फोल्डर मिलेगा जैसा बोल सकते हैं, सेंट्रिफ्यूगल पंप, जहां पे आपको क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रिफ्यूगल पंप मिलेगा, कितना मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट होना चाहिए, सेंट्रिफ्यूगल पंप क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, ठीक है। ओके, तो अब स्टैटिक हेड के बारे में बात करते हैं। जब हम हमारे सक्शन हेड को और हमारे डिलीवरी हेड को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है स्टैटिक हेड। तो कहने का मतलब है इन दोनों हेड को ऐड करूंगा, सो दैट्स व्हाई एच डी प्लस एच एस। तो यहां से लेकर कहां से कहां तक, यहां से लेकर
यहां तक यानी कि एच एस प्लस एच डी, तो ये हो गया हमारा, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसे मिटा देता हूं। ओके सो दिस इज अवर दिस, तो ये हो गया हमारा एच एस, दिस इज योर स्टैटिक हेड, इसका सिंबल क्या होगा यहां पे लिख देता हूं, दिस इज एच एस। अब आते हैं हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की तरफ। अभी देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड ज्यादातर काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझता, यानी कि जो पहली बार इसे पढ़ता है। अब मैनोमेट्रिक हेड फ्लूइड नहीं, सॉरी मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की बात निकली गई मेरे मुंह से, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड वो होता है जो यू वो लिक्विड जो यूट्यूब मैनोमीटर में यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं हेड मेजर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर में जो भी है फ्लूइड प्रेजेंट रहता है प्रेशर या हेड मेजर करने के, दैट इज योर, और कौन सा रहता है ये स्पेशली, दैट इज योर, मैं पहले बता दूं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ज्यादातर मर्करी यूज किया जाता है, हर जगह मर्करी ही यूज किया जाता है। ओके अब हम बात करेंगे हमारी किसके बारे में, दैट इज योर मैनोमेट्रिक हेड। अब मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। एक्चुअली ये हेड होता है जो पंप द्वारा दिया जाता है, ये हेड होता है जो पंप द्वारा दिया जाता है, दिस इज द हेड विच इज गिवन बाय किसके द्वारा, पंप द्वारा, एक्चुअली में पंप द्वारा दिया जा रहा है, तो कहने का मतलब है ये दिया जा रहा है इंपेलर द्वारा पंप के, किसको दिया जा रहा है, पानी को दिया जा रहा है, और इसका जो सिंबल होता है HM। अब देखिए ये जो हेड है ये किसने दिया, पंप ने दिया, या फिर इनडायरेक्टली मतलब इजी शब्दों में अगर इजी वर्ड्स में बात करेंगे, ये हेड है जो पंप ने दिया है पानी को, ठीक है। अब पंप ने दिया, पंप तो पूरी चीजें हो जाती, पंप में सारी चीजें आती, केसिंग आ गया पंप का, केसिंग जिससे इंपेलर ढका होता है, पंप पूरी चीज के बारे में बात करें, स्पेशली बात करेंगे तो ये जो हेड दिया गया है इंपेलर द्वारा, जो पंप के अंदर इंपेलर होता है जो गोल गोल घूमता है, जैसे यहां पर तो मैंने बनाया नहीं है, ये इसकी आंख है और ये है आपका इंपेलर, तो ये वो हेड है, यानी कि HM क्या है, वो हेड है जो आपके पंप के इंपेलर द्वारा पानी को दिया गया, यानी कि फ्लूइड को दिया गया। क्यों दिया गया है, ताकि लॉसेस से लड़ने के लिए, तो ये वो हेड है जो दिया जाता है पंप द्वारा ही, क्लियर हो गया, ठीक है, लॉसेस से लड़ने के लिए, या फिर आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब कैसे करना है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपली, HM कैसे फाइंड आउट करना है। ओके ये है पंप के इनलेट पे जो भी हेड होगा, कितना हेड होगा, ठीक है। अब देखिए जो हेड होता है पंप के इनलेट पे, जो भी हेड होता है, हेड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं टोटल हेड की बात कर रहा हूं, पंप के इनलेट पे मान लीजिए, पंप के यहां पे लिखता हूं, दिस इज द पंप इनलेट पे, पंप इनलेट हेड, वो क्या क्या होगा, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल हेड, यानी कि प्रेशर हेड भी आएगा, वेलोसिटी हेड भी आएगा, देन योर डेटम हेड भी आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं प्रेशर हेड, मान लीजिए यहां पर एक मैं सेक्शन ले लेता हूं, ये सेक्शन ले लिया मैंने वन वन, और आउटलेट पे मैंने सेक्शन ले लिया, दैट इज योर टू टू, क्लियर हो गया, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पंप के इनलेट पे सेक्शन वन ड्रॉ किया हुआ है, तो दिस विल बी प्रेशर हेड, तो पी वन बाय रो जी, प्लस नेक्स्ट आएगा डेटम हेड, ठीक है, तो दिस विल बी जेड वन, नेक्स्ट velocity head, तो this will be v1 square by 2g, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, okay, ये तो pump के inlet पे total head था, अब outlet पे देख लेते हैं, ठीक है, pump के यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ नीचे, this is the pump outlet, outlet head, अब इस यहाँ पे देखिएगा, तो pump के outlet पे कितना head है, वो भी total head कितना है, तो याद रखिए, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये HM जो है, ये मैनोमेट्रिक हेड जो है, ये हेड दिया गया है आपके इंपेलर द्वारा, या फिर बोल सकते हैं पंप द्वारा, किसको दिया गया है, पानी को दिया गया है, क्यों दिया गया है, ताकि लॉसेस जो भी पंप के अंदर हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और लॉसेस जिसे लड़ना है वो लॉसेस तो छोटे हैं, वो लॉसेस कहां हो रहे हैं, आपके इस पंप के अंदर हो रहे हैं, वो लॉसेस किस तरह के हैं, एक तो केसिंग में, यानी कि ये जो इंपेलर ढका हुआ है जिस कवर से, ठीक है, ये इंपेलर किसी बाउंड्री से ढका होगा तो उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं, ठीक है, तो केसिंग में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, या फिर विद इन द इंपेलर जो भी लॉसेस हो रहे हैं, उससे लड़ने के लिए पंप द्वारा या फिर इंपेलर द्वारा आपका ये हेड दिया गया है पानी को, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब मैं यहां पर पूरी अच्छे से लिखता था पंप आउटलेट हेड, तो यहां पे सेक्शन टू पे पंप के आउटलेट पे हेड कितना है, यानी कि सेक्शन टू पे हेड कितना है, तो यहां पे लिख देता पी टू बाय रो जी प्लस Z2, अब ये P1 by Rho G, ये प्रेशर हेड है, ये डेटम हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, तो वैसे ही टाइप का ये भी टोटल हेड आ जाएगा, तो दिस इज V2 square by 2G। देखिए
पंप के इनलेट पे हेड है, देखिए वैल्यूज लिख के तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, पंप के इनलेट पे ये, ठीक है, मेरा जो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए ये P1 मैरो जी, Z1 और ये V1 जो है, मान लेते हैं इनको तीनों को प्लस करके एक वैल्यू आती है पंप के इनलेट पे, ठीक है, मान लीजिए ये आ रही है 2 मीटर ऑफ वाटर। मैंने बताया कि जो कैलकुलेशन चल रही है वो पानी के टर्म्स में हेड कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो इनलेट पंप के इनलेट पे 2 मीटर का हेड है, कितना, ओके, और मान लीजिए पंप के आउटलेट पे 10 मीटर का हेड आ गया है, ठीक है, तो अब बताइए कि आपके इस इंपेलर द्वारा कितना हेड दिया गया है, तो हेड गिवन बाय इंपेलर, या फिर बोल सकते हैं हेड गिवन बाय पंप। देखिए गोल गोल मतलब बाहर से बोलूंगा तो ये पंप यानी कि जो हेड है वो दिया गया है पंप द्वारा, मगर साफ साफ बोलूंगा तो ये हेड दिया गया है इंपेलर द्वारा पानी को, ठीक है, तो हेड गिवन बाय इंपेलर ये कितना है, दिस इज आउटलेट पे कितना हेड है इसके, देखिए यहां पर जो आउटलेट, फिलहाल आउटलेट मैंने यहां से निकाल दिया है, तो आउटलेट पे कितना हेड है 10 मीटर का, ओके, इनलेट पे कितना हेड है, दैट इज 2 मीटर, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो हमारे को कितना मिलेगा 8 मीटर, यानी कि पंप ने खुद से 8 मीटर का हेड दिया हुआ है, और ये क्यों देता है ये हेड, पानी को एनर्जी देने के लिए, समझ रहे हैं, और बाकी जो भी लॉसेस हैं उसको क्या बोलते हैं हैंडल करने के लिए, क्योंकि लॉसेस को तो रिकवर नहीं किया जा सकता ना। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो ये वो हेड होता है जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम करना पड़ता है, डेफिनेशन यही रहती है, मगर एक्चुअली आप इससे समझ जाओगे, तो अगर मैं इस शब्दों में भी लिख सकता हूं, दिस इज द हेड गिवन बाय इंपेलर, यानी कि HME इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होगा 10 माइनस 2, 10 किसको रिप्रेजेंट करता है इसको, जब आप सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है इसको करता है, तो सिंपली मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज P2 बाय रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, ओके, माइनस दिस इज P1 बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब, समझ रहे हैं? हाँ, दूसरी चीज, और अब ये तो हेड दिया गया था हमारे इसके द्वारा पंप द्वारा, मगर आपको क्या लगता है ये पंप द्वारा हेड दिया जा रहा है तो क्या विद इन द पंप, इतने ही पंप में क्या कोई लॉस नहीं होता होगा? डेफिनेटली लॉस होता है, डेफिनेटली लॉस होता है, समझ रहे हैं? तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए एक चीज बता देता हूं, क्या इसमें लॉस नहीं होता, इसके केसिंग्स में लॉस नहीं होता होगा, जो बाउंड्री इस इंपेलर को कवर करती है क्या उसमें लॉस नहीं होता था? लॉस होता है, इंपेलर विद इन द इंपेलर कुछ लॉस नहीं होता, ठीक है, हेड में लॉस होता है, तो वो लॉसेस बहुत कम होते हैं, और उसी लॉसेस को लड़ने के लिए पंप एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक एक्स्ट्रा हेड देता है पानी को, फिलहाल यहां पे जो फ्लूइड है हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ लॉसेस से लड़ने के लिए, वो लॉसेस काफी कम होते हैं, सपोज 0.5 मीटर का ये लॉस आ गया है आपका, तो फाइनल जो आंसर आएगा तो 7.5 मीटर ऑफ वाटर का हेड जो है, हेड पानी के टर्म्स में बताया जा रहा है, सो दैट इज योर 7.5 मीटर ऑफ वाटर, तो ये हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा दिया गया है, सिंपली एक लाइन के हिसाब से भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, ओके, अब देखिए पंप ने जो हेड दिया, हाइट के हिसाब से बता देता हूं, पंप ने हाइट दिया मतलब हेड दिया 10 मीटर का, 10 मीटर का हेड दिया उसने, किसने दिया, पंप ने दिया, मगर कुछ अमाउंट में जो लॉसेस होते हैं, मतलब इतने लॉसेस, सपोज ये लॉसेस हैं हमारे 0.5 मीटर के, ठीक है, वैसे तो पंप ने कितना दिया था, 8 दिया, तो मैं 8 बताऊंगा यहां पे, ठीक है, 8 मीटर हाइट के हिसाब से बताऊं, हेड क्या होती है, हाइट होती है, ओके, इतना हेड बॉटम से लेकर इतनी हाइट तक ये हेड दिया है पंप ने, मगर विद इन द पंप कुछ लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस आपके पंप को ही बेयर करने पड़ते हैं, और ये विद इन द बाउंड्री हो रहे हैं पंप के, ठीक है, तो ये वो लॉसेस है 0.5 मीटर, मतलब ये दिया था हेड आपके पंप ने यानी कि इंपेलर में पानी, ओके, तो ये जो लॉसेस हैं ये इसी इंपेलर और केसिंग में हो रहे हैं, तो जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी बचा कितना लॉस, मींस कितना हेड, 7.5 मीटर, तो ये है हमारी HM की वैल्यू, क्लियर हो गया, तो काफी जगह पे आपको ये लिखा रहेगा मिलेगा दैट HM इज नथिंग बट, एक दूसरी डेफिनेशन भी मिल जाएगी आपको, HM इज नथिंग बट द हेड गिवन बाय इंपेलर गिवन बाय, ये मिटा ही देता हूं अभी, ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आई गया होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हेड गिवन बाय इंपेलर, किसको दिया गया, पानी को दिया गया हेड गिवन बाय इंपेलर
टू वाटर या फिर फ्लूइड माइनस लॉसेस। ओके, अब जो हेड दिया गया है इंपेलर द्वारा पानी को, दिस कैन बी रिटन एज, जब आगे हम पढ़ेंगे और यानी कि प्रूव करेंगे जो भी फॉर्मूले, दिस इज योर VW2U2 by G। अभी मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हेड गिवन बाय इंपेलर, और जैसे आने वाली वीडियोस होंगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे कहां से आया था। ओके, अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं, ये लॉसेस कहां हो रहे हैं, इन पंप, लॉसेस इन पंप, ठीक है। अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो लिख दो, अगर लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो दैट इज जीरो कर दो। समझ गए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हेड्स होते हैं। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।